पिताजी। हाँ। क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गए बेटा? फ्लाइट देर से आई पिताजी, इसीलिए देर हो गया। मामा जी। हेलो बेटी, एकदम बाहर गांव का लग रहा है ना? हाँ ना माँ, एकदम दूर जैसा सफेद दिख रहा है। रवि आ जाओ, चलो कम ऑन कम ऑन। अरे मानी, वहाँ डिलीवरी में कोई कठिनाई तो नहीं आई? डिलीवरी? ओ, तुम्हें इंग्लिश नहीं पता है ना? ये डिलीवरी का मतलब है कि डिलीवरी। अबे वहाँ कोई कठिनाई आई क्या? हाँ वाह, मैं तो कुछ हुआ नहीं। ये पहले अंदर ले जाओ तुम। इसका वजन काफी भारी है रे, तू जा बे हनी मनी। हाँ। अरे ये तो स्टीरियोटाइप है रे। स्टीरियोटाइप क्या है? अरे ये भी नहीं पता तुझे? ये स्टीरियोटाइप का मतलब है ई ई ई। स्टीरियो। हाँ भाई, तेरी बीमारी का राज है ना ये, मुझे पता है। हाँ वही। हाँ ये है स्टीरियो। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। हाँ रुको। हाँ ठीक है, अभी ये भी पकड़ो। हाँ पकड़ो। अब ये भी पकड़ो। ये कौन सा हाथ में लूं? वो मैं बताता हूँ, अभी जाओ। ये तो बढ़िया। और उतना ही नहीं, वहाँ पे रात को सब लोग गांजा फूंक के सब अलग अलग हो जाते हैं। सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप ही अलग ही रह रहे थे। ऐसे मत बोलो। तू इसे नहीं पहचानता? नहीं। अरे हमारी छोटी सी जानू को तू कैसे भूल गया? कौन? हमारी छोटी सी जानू। कौन? वो अंडे जैसी। मेरे सामने कितनी छोटी थी, अब कितनी बड़ी और सुंदर हो गई है। इधर आ, इधर आ, इधर बैठो। और मुझे ये बताओ, तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरती मिली कहाँ से? इधर बैठो। मैं यही ठीक हूँ साहब। ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। वो तो सब ठीक है, आप गए थे तब भी इतनी बड़ी थी क्या? हाँ बड़ी हो गई है और थोड़ा रंग भी फीका पड़ गया है, अब पहले जैसी बात नहीं रही है। ओह, जो बोल रहे हैं उसका अलग ही ग्लैमर है ना? बेटा रवि, आज के लिए हो गया, अब पूरा दिन रोएगी। तुम रोना मत, ठीक है? हाँ मैं वसंती के लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। जानू मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है ना मामा? सब लोग आओ। मैंने बोला था ना, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। डरा क्यों रहे हो? तुम डरो मत, मैं वही हूँ तुम्हारा थंगचन। मेरा थंगचन? इधर क्या मर्दों की कमी है? नहीं, यहाँ काफी सारे मर्द होंगे, कई सारे थंगचन भी होंगे, लेकिन फॉरेन थंगचन एक ही होगा और वो मैं हूँ। आई एम कूल, सिर्फ तुम्हारे लिए ही पैदा हुआ हूँ। ए सुन, मेरे सामने बकवास मत कर। वैसे भी पवित्र प्यार की कीमत नहीं जानने वाली, एकदम निष्ठुर हो तुम। क्या करूं मैं, कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये सब लाया हूं। क्या लेकर आया, जरा मैं भी देखूं। ये मेरे लिए है? ये सब तेरे लिए है, पूरा ले ले, अभी और भी है। हाँ अब क्या है, छोटी डिब्बी में सुगंध वाला भी है, समझी? लेकिन जब तू मेरे घर आएगी ना तो ही दूंगा। घर पर नहीं आऊंगी, डर लगता है। अरे डर मत, छोटा सा डब्बा वाला ही है। देखो मुझे। तुझे? मुझे। तुझे? तुम क्यों ऐसे घूर के देख रहे हो? अरे तुमको ही कह रही हूँ, पागल कहीं का। लगता है इसके दर्शन करने के बाद आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाय, अब जाके पता चल गई ना असलियत। डब्बे में खड़ा कर रहे हैं ढक्कन ड्राइवर। क्या है? डब्बे में खड़ा करी से निकाला तेल और उसी तेल में गिर गया ड्राइवर और उसको हो गई जेल, समझे आप? फन काचा, अब और भी कुछ बोलना है क्या मुझे? अभी मुझे बोलना है ना, सुनाऊं क्या तुम्हें? वो सब अपने बाप को जाके सुना जा। हाँ। लक्ष्मी आप यहाँ आइए जरा। देखो जानू अभी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसकी शादी का सोचना पड़ेगा।
जो भी हो, रवि आ गया है। अब जानू की शादी में देरी नहीं करेंगे हम। मैं यही बात आपको कहना चाहती थी। हमारी सारी चीजें उसके पिताजी आपको ही तो सौंप कर गए थे। विश्वन अच्छा इंसान है, जानू के लिए एकदम सही रहेगा। अभी उनकी शादी हमें जल्दी करनी पड़ेगी, है ना? विश्वन, उनका तो स्वर्गवास हो गया और मेरा? ऐसे कैसे? ये इसी परिवार में बड़ी हुई है तो उसी हिसाब का रिश्ता उसके लिए भी होना चाहिए। विश्वन भी कम नहीं है बेटे, मेहनत करके जीने वाला एक नौजवान है वो। उसकी अच्छाई के बारे में आप मत बताइए, मैंने अपनी आंखों से ही उसकी औकात देखी है। बेटी को इस तरह खुला तो छोड़ दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे तो अच्छे बुरे की कोई समझ है नहीं। अब मैं क्या करूँ, आप क्या चाहते हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं... तुम? नहीं, मैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, यस ये बंगलो ही है। हु इज स्पीकिंग? अरे माफ करना, थंगचन हूँ। रवि बेटा यहाँ नहीं है। कौन बोल रहा है? बसंती बेटी रवि बेटे को ढूंढ रही है। रवि सर जानू के आउट हाउस में। मैडम उनको बुलाऊं? ओ बुलाता हूँ। अरे थनका जा, तू जाके रवि सर को आने बोल। वासंती मैडम फोन पर भड़क रही है, जाके बोल दे उनको। फोन रवि सर, वसंती मैडम फोन पर आपका इंतजार कर रही हैं। कितनी देर से बुला रही हैं आपको। लक्ष्मी माँ, एक बार और सोचिए, विश्वन के साथ रिश्ता जानू के लिए उतना सही नहीं है। हेलो रवि, तुम हो ना? क्या तुम फोन भी नहीं कर सकते? जब देखो तब उस जानू के आउट हाउस जाते रहते हो बस। मैं तो अभी वहां गया था, और कोई नई खबर? मामा कहां पर है? पापा वो तो पंडित के पास गए हैं। और हाँ, जल्दी यहाँ आओ जरा, हम दोनों साथ में सिनेमा जाएंगे। ये किया ना इतना बड़ा महान काम, तैयार रहो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके रेडी? क्या खीर मेरे लिए? ओके थैंक यू। माय डार्लिंग सत्य मामा, अंडरवियर अंडरवियर आर यू गोइंग? छोड़ दे मुझे, मैं तुझसे गुस्सा हूँ। व्हाट इज राइट, व्हाई, क्या हैपेंड? तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा, लो मैं पकड़ता हूँ। आखिर क्या है इसके अंदर? रवि सर के लिए वसंती मैडम ने खीर भेजी है। मन कर रहा है खीर खाने का? खीर जैसी सफेद तुझे देखकर, समझ जाना। नहीं नहीं, तेरी वजह से मैंने छोटे साहब और मैडम से कितनी डांट खाई पता है? व्हाट इज हैपेंड? ये मेरे पेट पे देख जरा, कितना लाल हुआ है ना। ओह माय गॉड, किसी कीड़े ने काटा होगा। देख मेरा मुंह मत खुलवा, किसने काटा है वो नहीं पता। 2 महीने बाद पता चल जाएगा। अरे किसी ने देख तो नहीं लिया, अब निकल लेता हूँ इससे पहले।